गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट सेशन आई टॉट यू अ टेल ऑफ टू बर्ड, बट टुडे आई विल टीच यू फ्रेंडली मंगोस। दिस विल बी द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर सेकेंड बुक अ पैट विद शन। सो स्टूडेंट्स, बी केयरफुल एंड लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फार्मर हिज वाइफ एंड दियर स्मॉल चाइल्ड लिव इन अ विलेज। स्टोरी में दिया गया है जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। अ फार्मर था, उसकी वाइफ थी और उसका एक स्मॉल चाइल्ड छोटा बच्चा था। कितने लोग थे? तीन लोग थे। ये सब एक विलेज में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस। उस घर में एक छोटा सा मंगूज भी रहता था, नेवला रहता था। Why they believed could be their son companion and friend in future। और उसके जो पेरेंट्स थे यानी फार्मर और उसकी वाइफ, ये बोल रहे थे कि ये जो मंगूज है, छोटा मंगूज है, हमारे बेटे का आगे चलकर भी फ्रेंड बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी शायद है कि आप लोगों ने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। आज हम लोग इसी स्टोरी को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। Once a farmer and his wife lived in a village। एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। विद दियर स्मॉल सन, दे लव्ड विद हिम वेरी मच। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे, उनका एक छोटा बच्चा था। उनके यहाँ एक पेट भी था, फार्मर ने पेट पाल रखा हुआ था। एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, व्हेन आवर सन ग्रो अप, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, तो हमारे बेटों को किसी न किसी फ्रेंड की जरूरत होगी, कंपेनियन की जरूरत होगी। दिस पेट विल बी अवर सन कंपेनियन, जो ये जो नेवला है, तो मंगूस है, यही मेरे बेटे का क्या होगा, कंपेनियन होगा, साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी को भी आइडिया बड़ा अच्छा समझ में आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट के दिन टाइनी मंगूस, एक दिन शाम को फार्मर एक टाइनी मंगूज लेकर के आया। इट इज़ अ बेबी मंगूज, छोटा मंगूज था, बेबी था। सेड इज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन वो क्या हुआ, मंगूज धीरे धीरे बहुत जल्दी बड़ा हो गया, क्योंकि जो एनिमल होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। तो इन जो मंगूज था वो बट शीघ्र ही बड़ा हो गया, यानी फुल नेवले में कन्वर्ट हो गया। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, और ये सोचा कि ये मेरे बेटे का मित्र भी बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू, अब बेबी और मंगूस दोनों धीरे धीरे से बड़े हो रहे थे। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, 5 से 6 महीने में जो मंगूस था अपने फुल साइज पे हो गया। अ लवली एनिमल विद टू शाइनिंग ब्लैक आइज, एक बड़ा ही सुंदर मंगूस था, ब्लैक आइज थी एंड बुशी टेल थी, बढ़िया सी पूंछ थी। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, जो फार्मर का बेटा था वो अभी छोटा बच्चा ही था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वो सोता था, जब सो के जगता था तो चिल्लाता था, होता छोटे बच्चों का ही याद होता। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट, एक दिन क्या हुआ, फार्मर की वाइफ थी वो मार्केट जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। अब फार्मर की वाइफ ने उसको फीड करा दिया, यानी उसका खाना खिला दिया या उसको मिल्क दे दिया। मिल्क देने के बाद उसको क्रेडल पर सुला करके चली गई। पिकिंग अप द बास्केट, उसने एक बास्केट उठाई। सी सेड टू हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी स्लीपिंग की पहन आई आन। उसने कहा पत्नी ने बास्केट उठाते हुए कि मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, आप इसमें एक निगाह जरूर बनाए रखिएगा, यानी इसे ध्यान देते रहिएगा। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, मैं अपने बच्चे को उस मंगूज के साथ तो कभी नहीं छोड़ना चाहता था, कभी इच्छा नहीं हुई। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर, किसान ने कहा बिल्कुल भी, पत्नी कहा कि नहीं बच्चे को इस नेवले के साथ न छोड़ना। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं, नहीं छोड़ूंगा। द मंगूज इज ए फ्रेंडली एनिमल, मंगूज वैसे भी क्या हो गया है, एक फ्रेंडली एनिमल हो गया है, यानी हम लोगों के साथ रह रह करके हम लोगों जैसा ही हो गया है, हम लोगों को पहचानने लगा है।
इट इज अ स्वीट एज स्वीट एज अवर बेबी, ये उतना ही प्यारा हमें हमारे लिए है जितना कि हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट आवर फ्रेंड, यू नो, और आप भी जानते हो कि मंगूज और हमारा बेटा क्या है, एक अच्छे मित्र हैं, अच्छे फ्रेंड हैं। द वाइफ फ्रेंड अभी इतना कहने के बाद जो वाइफ थी फार्मर की वो तो मार्केट चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, अब फार्मर जो था उसके लिए भी घर में कोई काम नहीं था करने के लिए, क्या करे। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ टू एट हिज फीट नॉट फार अवे, किसान के पास अब कोई काम नहीं था तो उसने ये डिसाइड किया कि चलो चलते हैं अपने खेतों को देख लेते हैं, एक राउंड लगा लेते हैं खेतों में, फसल अपनी देख आते हैं। ही रैन इनटू सम फ्रेंड ऑन द वे, अब वो कुछ अपने मित्रों से मिलाया इतनी देर में, बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, अब वो अपने मित्रों से भी मिला, अपने खेतों में भी घूमने गया, अपनी फसल को भी देखने गया, इतने में उसे काफ़ी टाइम लग गया, यानी जल्दी से वापस नहीं आ सका। द फार्मर्स वाइफ फिनिश हर शॉपिंग, द फार्मर की वाइफ ने अपनी शॉपिंग फिनिश कर ली, यानी मार्केट हो गई। एंड केम बैक होम विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरी, और बास्केट में जो लेकर गई थी उसमें बहुत सारी ग्रोसरी लेकर के आई, सब्जियाँ, घर का सामान, ये सारा सामान लेकर के आ गई। शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड, उसने देखा कि बाहर मंगूस बैठा हुआ था, एज इफ वेटिंग फॉर हर, और वो मंगूस फार्मर की वाइफ का ही इंतजार कर रहा था। ऑन सीइंग हर, उसको देख करके ही रैन टू वेलकम हर, उसने वेलकम किया। एज वॉज कस्टमरी, यानी जैसा कि कस्टम था, जैसा कि वो एक फ्रेंडली बेटे की तरह था, फ्रेंडली था, फैमिली से फैमिलियर था, तो जैसे बेटे को माँ का रेस्पेक्ट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, मंगूज ने उसी तरह से फार्मर की वाइफ का वेलकम किया। द फार्मर्स वाइफ टू वन लुक एट द मंगूज एंड स्कीम, फार्मर की वाइफ ने मंगूज को एक बार देखा और चिल्लाने लगी। ब्लड सी क्राइड, उसने ये देखा कि मंगूज के मुंह पर ब्लड लगा हुआ था, चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। द फेस एंड पाव ऑफ द मंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड, ये देखा कि उसके पैर और उसका मुंह मंगूज का ब्लड से भरा हुआ था। यू विंड एनिमल, क्या कहा तुम दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, आपने मेरी बेबी को मार दिया। यानी ये बात फार्मर की वाइफ को अभी पूरी पता नहीं कि हुआ क्या है, रियलिटी क्या है, लेकिन ये देखा कि मंगूज के पैरों में मुंह में ब्लड लगा हुआ है तो चिल्लाना शुरू कर दिया। सी स्क्रीम स्ट्रिक्टली, सी वाज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्सा, इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, जो हैवी बास्केट लिए थी, ग्रोसरी से फुल बास्केट लिए हुई थी, उसने क्या किया, ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूज एंड रन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रैडल, अब उसने क्या किया, वही जो बास्केट थी सब्जियों फलों से भरी हुई उस मंगूज के ऊपर फेंक दिया और दौड़ते हुए अपने बेटे, जहाँ पर उसका बेटा क्रैडल में लेटा हुआ था, उस क्रैडल के पास गए। द बेबी वाज फास्ट स्लीप, उस समय बेबी तो गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टोन एंड ब्लीडिंग, फर्श पर एक ब्लैक स्नैक पड़ा हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी उसके स्नैक के। इन अ फ्लैश सी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, अब वो रियलाइज कर रही कि हमने क्या किया, यानी मंगूज को उसने मार दिया, अब ये सोच रही कि हमने क्या गलती की, क्या कर दिया। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, अब वो दौड़ते हुए मंगूज के पास आती, ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, और क्या कहा, आपने तो मेरे बेटे को बचाया है, यू किल्ड द स्नेक, आपने स्नेक को मार दिया है, व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया। सी क्राइड टचिंग द मैंगूज, मैंगूज को टच करते हुए चिल्ला रही थी, वो ले डेड एंड स्टिल, जो कि मंगूज डेड पड़ा हुआ था, उसको सहला रही थी, हाथ मिले रही थी और चिल्ला रही थी, मैंने क्या किया, मेरे बेटे को आप ही ने बचाया और मैं आप ही को मार दिया। अनअवेयर आप हर शॉपिंग, अपनी शॉपिंग से सस्तियों से अनअवेयर होते हुए, द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टी एंड रैशली स्टेयर लॉन्ग एट द डेड मंगूज, अब वो बेचारी असहाय लेडी मंगूज की तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी। देन सी हियर द बेबी क्राइंग, तब उसने बेबी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वाइपिंग हर टीयर, अपने आंसुओं को पोंछते हुए सी वेंट टू फीड हिम, और अपने बच्चे को फीड करने के लिए चली जाती। तो ये जो स्टोरी है
बेटा, ये पंचतंत्र से रिलेटेड है, पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ इसी तरह की होती हैं, उन्हीं से ये आपका चैप्टर लिया गया है। तो स्टोरी आपको पहले भी पता रही होगी, ये स्टोरी आज आपको फिर से पता होगी, बड़ी अच्छी स्टोरी है। किसी की समरी को यानी किसी स्टोरी को अपने वर्ड में आपको लिखना है, यही आपको कोशिश करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ।